Good morning everybody. Now welcome to standard 9 subject in the lesson 2 न्याय part 4. बच्चों आपको मैंने इस वीडियो के पहले यानी part 3 तक काफी क्वेश्चन आंसर्स पर्यायवाची शब्द विरुद्धार्थी शब्द विरोधी शब्द ये सब लिख पाए और शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखने के लिए वो लिख पाए. आज हम कृतवाचक संज्ञा भी लिखवाया था हमने, तीन कृतवाचक संज्ञा लिखवाया था. आज हम उसी के आगे कंटिन्यू फोर्थ नंबर का कृतवाचक संज्ञा आपको यानी कि पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में से आपको कृतवाचक संज्ञा बताना है. ओके, नाउ वह सम्राट के सामने राजमुद्रा वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध था. तो इसका उत्तर था प्रतिबद्ध. सोने की मूर्ति बनाई. इसका भी उत्तर है मूर्ति का. टोटल पांच आपके पांच ये है. उसके बाद विशेषण कैसे है, उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की. इसका विशेषण होगा अपराधी. अपराधी नंबर टू न्याय मंत्री राज्य की आंतरिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे. अंदर है आंतरिक. नंबर थ्री न्याय मंत्री को न्याय देने की
प्रक्रिया प्रशंसनीय इसका उत्तर है प्रशंसनीय शिशुपाल ने निर्भय होकर न्याय किया प्रति उसने जरा भी नरम नहीं अपनाया तो उत्तर है नरम ये पांच विशेषण पहचान कर रहेंगे। अगर इसका हेडिंग होगा कि नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण पहचान कर लिखिए तो आपको इसमें से विशेषण पहचानना है। विशेषण का मतलब आपको पता ही है कि संज्ञा की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने उसके बाद हेडिंग डालेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
प्योर है, चेतावनी देकर, चेतावनी चेतावनी के नीचे डले हैं, चेतावनी देकर सम्राट को छोड़ दिया गया। मैं आपको न्याय करने का अवसर देता हूँ, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। नोट डाउन, फिलिंग द ब्लैंक्स नाइन नंबर पर लिखवा देते हैं। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति एट नंबर के बाद नाइन नंबर टोटल 10 फिल इन द ब्लैंक्स हुए, ठीक है। सम्राट ने अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दिया। अंगूठी, फिर धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, तो गिरफ्तार हो गया। अब आपके टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों?
निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित विधान कौन कहता है और क्यों? शिशुपाल अपने द्वार पर आए हुए परदेशी युवक से कहता है। क्योंकि वह अतिथि का सत्कार करना अपना कर्तव्य समझता है। कर्तव्य समझता है दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। कठिन
इसका उत्तर यहाँ लिखेंगे। ये विधान पूरा हुआ। क्या है खंड नंबर, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं न्याय का टप्पा बजाकर दिखा दूंगा, ये वाक्य किसने बोला ये तो पता ही है, शिशुपाल ने परदेशी दमयंती से बोला। कहता है क्योंकि परदेशी दमयंती उससे राज्य को अपराध मुक्त करने का वचन लेना चाहता है। फिर फोर्थ नंबर, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह वाक्य न्यायमंत्री शिशुपाल सम्राट अशोक से कहता है क्योंकि उसने पहरेदार की हत्या की थी। मोस्ट ऑफ द दिस लेसन, आपका ये लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है।